बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है जो कि वन एंड टू के फॉर्म में है। स्टेटमेंट वन में कहा गया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सिग्निफाइज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और बच्चों, स्टेटमेंट टू में कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एज वी नो, स्टेटमेंट टू तो परफेक्टली करेक्ट है। अब हमें चेक करना है स्टेटमेंट नंबर वन। तो बच्चों, इसमें हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर रहे हैं बाय द पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव लेते हैं। अब बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दें हम क्यू। तो ये पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। और अगर ये पॉइंट चार्ज निगेटिव हो तो बच्चों यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर लें, इस तरह से कर लें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बच्चों यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो करेक्ट। So correct answer will be option number A. Thank you.